श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस बाल देव पितर पूजे विदिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बांधि मांगहि बरदाना, बाहिन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी जानकर देवता पितरों का भली पाती पूजन किया। सबकी वंदनाएं करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आये सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाच कजन जाचई जोई जोई, प्रमोदित राउ देही सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देही आशीष जो हारी, सब गावही गुण गण गात, तब गुर भूसुर सहित गृह कवनु कीन नर नाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बड़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर, अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के सहित बैठ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति भोजन भोजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देने लगे। बहु विधि कीन गादी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मनुजोगवत रह निपुर विनासु, वासु पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्होंने महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी।
बदुन समेत कुमार सब रानी सहित महीसु पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत आशीष मुनीसु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुओं समेत सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते। विनय कीनी उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे ने गुमागी मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख कर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम ही सिय समेता हर्षिकीन गुरु गबनु निकेता विप्र बधु सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासनी लीनी रुचि बिचारी पहिरावनी दीनी नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मनी देही। फिर सब सुआसनियों को बुलवा लिया और अपनी रुचि समझकर उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति बलि भांति सन माने देव देखी रघुवीर बिवाहु बरषि प्रसून प्रसंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण और श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता ही न था। सब विधि सबई समधि नर नाहू सहा हृदय भरी पूरी उछाऊ जय रनिवासु तहां पग धारे सहित बहु टिन कुआ निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। राजा जहाँ रनिवास था वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयउ सुख जेता वधु सब प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। इस प्रकार राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधु को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु सबके उर आनंद कियो बासु कयों भूप जिमि भयों विवाहु सुनी सुनी हर्षु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी में हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व
प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गौर ज्ञाति भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई राती मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई।